डॉट वो हकीकत जिससे दुनिया आज तक थी अनजान, जब अंडरटेकर से लड़ बैठे थे अक्षय कुमार। खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार फिटनेस आइकॉन है। उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी फुर्ती युवाओं को टक्कर देती है। मार्शल आर्ट एक सफर इस सेक्टर का स्पोर्ट्स से गहरा लगाव रहा है। अक्षय कुमार अब तक 8 खिलाड़ी टाइटल वाली फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी ही फिल्मों में एक थी खिलाड़ियों का खिलाड़ी। इस फिल्म के एक सीन में अक्षय कुमार WWE के मशहूर रेसलर द अंडरटेकर के साथ फाइट करते नजर आते हैं। ऐसे में फैंस के दिमाग में एक सवाल हमेशा रहता है कि वे अंडरटेकर असली थे या नकली। चलिए आपको आज इसकी सच्चाई से वाकिफ करवाते हैं। दरअसल 1996 में रिलीज हुई फिल्म, इस फिल्म के उस सबसे खतरनाक सीन में अक्षय और अंडरटेकर के बीच भयंकर लड़ाई होती है। फैंस को ऐसा लगता है कि अक्षय अंडरटेकर से भिड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिल्म में अंडरटेकर का रोल अदा करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि ब्रायन ली थे। ब्रायन ली अंडरटेकर के चचेरे भाई भी है। ब्रायन ली का जन्म 26 नवंबर 1966 को अमेरिका में हुआ था। ब्रायन ली एक प्रोफेशनल रेसलर है। इस फिल्म में एक ऐसे रेसलर की जरूरत थी जो अच्छे रेसलिंग स्किल के साथ साथ अंडरटेकर जैसा दिखे। ली ने इस रोल को न सिर्फ बखूबी निभाया बल्कि स्क्रीन पर पूरे अंडरटेकर ही लगे। शायद यही वजह है कि आज तक फैंस को इस सबसे खतरनाक सीन की असलियत नहीं पता चली। ब्रायन ली एक सुप्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग और फुल नॉन स्टॉप एक्शन रेसलिंग में हिस्सा ले चुके हैं। उनका रिंग नेम ब्रायन ली है, पूरा नाम ब्रायन ली हैरिस है।